दोस्तों जैसे कि आपने देखा, आई लव प्लेइंग रेट्रो गेम्स। जी हाँ, आई एम अ 90s किड दोस्तों, जो 5 रुपए 10 रुपए उस टाइम शायद 2 रुपए दे के 1 घंटे तक आर्केड के ऊपर गेम्स खेलते थे। और उस टाइम के गेम्स आपको पता है कौन से? जी हाँ, कॉन्ट्रा। ये सब जो गेम्स है ये उस टाइम मैं खेलता था और पैसे दे के। लेकिन उसमें जो मजा थी दोस्तों, पूछिए मत। ये अभी मोबाइल गेम्स आ गए हैं, पबजी का जमाना आ गया, बट आई वॉन्टेड टू फील। एंड एक कंपनी है जिन्होंने, मैं कहूंगा, एक मिनी कंसोल विथ रेट्रो गेम्स लॉन्च किया है, एमकेट। उन्होंने लॉन्च किया है ईवो फॉक्स गेम बॉक्स। दिस इज अ एंड्रॉइड बॉक्स, प्लस उसमें गेम्स भी हैं और आपको कंट्रोलर वगैरह भी आता है। जी हाँ, खोलूंगा, दिखाऊंगा आपको सब कुछ, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक वीडियो अपलोड करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, एमकिट ये जो कंपनी है, बता दूं, इट्स अ इंडियन कंपनी, दिल्ली बेस्ड कंपनी है जिन्होंने ये अभी अभी लॉन्च किया है। इसकी जो प्राइस है दोस्तों, दैट इज 8999। अब मैंने प्राइस के पास ऑनेस्टली नहीं देखा दोस्तों, क्योंकि मुझे वो रेट्रो गेम्स खेलने थे, आई वॉन्टेड टू। इन दिस बॉक्स 100 रेट्रो गेम्स आते हैं। एंड यू हैव अ कंसोल, जी हाँ कंसोल है, एंड यू हैव द कंट्रोलर और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, सम डॉक्यूमेंटेशन इज देयर, दिस इज व्हाट यू गेट। प्रीलोडेड गेम्स आते हैं दोस्तों, जो अभी आजकल बहुत पॉपुलर है मोबाइल के ऊपर, मोबाइल गेम्स। एंड देन 100 के ऊपर रेट्रो गेम्स हैं, पुराने जो पॉपुलर हुआ करते थे। सो दैट वॉज माई अट्रैक्शन। बाकी तो नो योर ईवो बॉक्स। वैसे बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, वो भी खोल के दिखाते हैं। दिस इज द गेम बॉक्स। जी हाँ, इट फील्स लाइक अ एंड्रॉइड टीवी बॉक्स, जो होता है आप नॉर्मल टीवी को स्मार्ट करने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो, वैसे ही कुछ है। देखेंगे इसके पास और क्या है। ऑलराइट, पावर अडैप्टर आता है, माइक्रो यूएसबी केबल आती है दोस्तों, एचडीएमआई केबल भी आती है बॉक्स के अंदर, गुड क्वालिटी एचडीएमआई केबल। व्हाट एल्स? ओके, वी हैव अ एयर रिमोट। जी हाँ, ये एक एयर रिमोट है। ओपन दिस। ऑलराइट, ये भी आते हैं साथ में, एंड दिस इज द एयर रिमोट। अब देखते हैं कंट्रोलर के पास। ओके, सो दिस इज द कंट्रोलर ईवो फॉक्स। एक्सटेंड योर वारंटी, वारंटी कार्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आता है। ओके, नाइस, लुक एट दिस कंट्रोलर। और आपको, यस, यू हैव टू कनेक्ट दिस, और आपका जो ईवो फॉक्स है दोस्तों, उसको आपको ये कनेक्ट करना होगा, जिसकी वजह से वायरलेसली आप कंट्रोलर के साथ खेल पाओगे। सो That's what you get inside the box. चलिए दोस्तों, क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। उसके पहले आपको बता दूं, साइड में दोस्तों ये लाइट्स दिखते हैं, सीरियसली गेमिंग दिखता है वो लाइट्स की वजह से, एलईडी लाइट्स है साइड में, इट लुक्स गुड। 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं दोस्तों, इसमें से एक USB 2.0 है, एक 3.0 है। TF कार्ड, मतलब आपका माइक्रो SD कार्ड वगैरह है, वो आप इस्तेमाल कर पाओगे। पावर पॉइंट है, RJ45 है, HDMI है, एंड दिस इज ऑडियो वीडियो। यस, ऑडियो वीडियो केबल के लिए ये है। बहुत लाइट वेट है बाय द वे, इट्स वेरी वेरी लाइट, बहुत हल्का है। और दोस्तों ये जो एयर माउस है, यू कैन यूज इट एज अ माउस एज वेल एज वॉइस असिस्टेंट, गूगल वगैरह आपको ट्रिगर करना है। याद रखिए, इट इज जस्ट नॉट अ मिनी गेमिंग कंसोल, इट इज ऑल्सो एंड्रॉइड बॉक्स। तो वॉइस असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट को आपको ट्रिगर करना है तो इधर से आप कर पाओगे। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर बात करूं तो क्वाड कोर एमलॉजिक का प्रोसेसर आता है, 64-bit का, 4GB रैम एंड 32GB स्टोरेज है। जनरली एंड्रॉइड बॉक्स, टीवी बॉक्स जो होते हैं दोस्तों, उसमें 16GB या 8GB होता है, इसमें आपको 32GB मिलता है। इसका मतलब बहुत सारे एप्स वगैरह जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। और याद रखिए, गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट है, इसका मतलब जो भी मोबाइल गेम्स वगैरह आपको खेलने हैं बड़े स्क्रीन के ऊपर, यू विल बी एबल टू डू विद दिस। इनफैक्ट इट इज बिल्ट फॉर इट, दैट्स व्हाई कंट्रोलर है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल जो मोबाइल गेम्स होते हैं वो हम डाउनलोड तो करते हैं आपके स्मार्ट टीवी के ऊपर, बट खेल नहीं पाते, यू विल नीड अ कंट्रोलर, दिस कम्स विद अ कंट्रोलर। बट द बिगेस्ट अट्रैक्शन दोस्तों, जो मुझे इस ईवो फॉक्स के साथ था, वो था रेट्रो गेम्स। एंड जो भी रेट्रो गेम्स दोस्तों 90s के वगैरह हैं, सब आप खेल पाओगे। यस, मारियो ब्रदर्स है, स्ट्रीट फाइटर, मजा आता है दोस्तों, स्ट्रीट फाइटर आप खेल पाओगे। उसके बाद में कॉन्ट्रा, जी हाँ, वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स, कॉन्ट्रा खेल पाओगे। डूम वगैरह है इसके अंदर, और स्पाइडरमैन भी है। तो ऐसे इतने सारे गेम्स हैं दोस्तों, आप नाम लीजिए 90s के कोई भी गेम का, इट विल बी देयर। तो अगर आप एक 90s के किड हो और आपको बड़े स्क्रीन के ऊपर वो रेट्रो गेम्स खेलने हैं, डेफिनेटली दिस इज द वन यू शुड लुक एट। लेकिन आपको, आई विल वॉर्न यू, बड़े स्क्रीन पे, हम 55 इंचेस पे खेल रहे थे,
पिक्सेलेटेड होता है. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दोस्तों, उस टाइम वो जो आर्केड गेम्स थे उसका रेजोल्यूशन इतना हाई नहीं होता था, तो वैसे ही दिखते हैं. बट आई टेल यू व्हाट, इट स्टिल फील्स वेरी वेरी गुड. अगेन आई हैव टू वॉर्न यू, मैं अभी खेल रहा था दोस्तों बहुत देर तक. आई एंजॉयड इट, अगेन आई एंजॉयड प्लेइंग इट, लेकिन एक बात कहता हूँ, थोड़ा डिले ज़रूर है इसके अंदर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. आदत हो जाती है थोड़ी देर के बाद, बट देर इज दैट डिले, वायरलेस जो है उसकी वजह से डिले ज़रूर है इसके अंदर. और हाँ दोस्तों, इट इज़ अपार्ट फ्रॉम मिनी कंसोल, ये एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है जहाँ पे आप नेटफ्लिक्स स्ट्रीम कर पाओगे, प्राइम वीडियो देख पाओगे, आपको कुछ भी डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से वो कर पाओगे. तो वो तो है ही, अगर आप एक आपके पास एक टीवी है जो स्मार्ट टीवी नहीं है और आपको स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना है उसे, और साथ में आपको बहुत अच्छा लगता है गेम्स वगैरह खेलना है, स्पेशली दोज रेट्रो गेम्स या फिर अभी के मोबाइल गेम्स भी आपको अगर खेलने हैं बड़े स्क्रीन के ऊपर, then this combines both the worlds. Finally, मुझे क्या लगता है दोस्तों, देखिए अगर आपको एक टीवी बॉक्स चाहिए, आई विल से गो फॉर अ टीवी बॉक्स. अगर आपको गेमिंग में ही सिर्फ इंटरेस्टेड है, यू नो दिस इज नॉट स्पेसिफिकली अ कंसोल. जी हाँ, अगर आप PS5, Xbox के साथ वगैरह कंपेयर कर रहे हो, अगेन इट इज नॉट दैट. लेकिन अगर आपको वही कैजुअल गेम्स वगैरह खेलने हैं, मोबाइल गेम्स खेलने हैं, रेट्रो गेम्स आपको ज्यादा पसंद है, देन You should look at EvoFox Game Box from MKit. Yeah, और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. If you are interested, go and check it out. और भी आपको कोई सवाल है EvoFox के बारे में तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe.